ये रोमन अन्यकाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, यू तो सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन दो दिन से सोशल मीडिया पर एक न्यूज वायरल हो रही है जिसे देखने के बाद न सिर्फ आपको गुस्सा आएगा बल्कि आप डिसअपॉइंट भी फील करेंगे। लेकिन आप में से हमारे काफी दोस्तों को इस न्यूज के बारे में पता चल गया और उन सभी की यही डिमांड थी कि मैं इस टॉपिक को कवर करूं, क्योंकि ये वीडियो एक कोरियन गर्ल की है जो आजकल इंडियन सिटी मुंबई को विजिट करने आई थी, जो बाय प्रोफेशन एक यूट्यूबर है। लेकिन जब वो मुंबई को एक्सप्लोर करते हुए ब्लॉगिंग कर रही थी, उसी टाइम कुछ लड़कों ने आकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसके बाद से ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो मैं आपको इस वीडियो और इस इंसिडेंट की पूरी कहानी डिटेल में बताऊं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए जिससे ऐसी ही कोई भी लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कोरियन गर्ल के साथ मुंबई में छेड़छाड़ की गई है, जिसके बाद से न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि टेलीविजन पर भी इसी बारे में बात हो रही है। और जिसने भी इस वीडियो को देखा वो यही कह रहा है कि ये शर्म की बात है कि इंडिया में बाहर से आए फॉरेनर्स के साथ इस तरह का बिहेव किया जाता है। तो अगर इस इंसिडेंट पर नजर डालें तो ये लेडी एक यूट्यूबर है जो ब्लॉगिंग करती है और कुछ दिन से इंडिया से रिलेटेड कंटेंट पर ब्लॉगिंग कर रही थी और इंडियन कल्चर को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही थी। इनडायरेक्टली ये कहा जा सकता है कि ये लेडी इंडियन कल्चर की फैन थी, लेकिन शायद उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन इंडिया में उसे ऐसा एक्सपीरियंस भी करना पड़ेगा। यानी जब ये लेडी लेट नाइट 11:30 के टाइम मुंबई के नाइट व्यू को लाइव ब्लॉगिंग में अपने फैंस के साथ शेयर कर रही थी, तो अचानक पीछे से दो लड़के आए और उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। और जब उस लेडी ने वहाँ से जाने की कोशिश की तो ये दो लड़के उसका पीछा करने लगे और ये सब लाइव इस लेडी के कुछ इंडियन फैंस देख रहे थे। तो उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और उसकी हेल्प करने की कोशिश की। इसके साथ ही पुलिस भी तुरंत एक्शन मोड में आ गई और ऑन द स्पॉट उन दोनों ही लड़कों को अरेस्ट कर लिया। जब से सब यही कह रहे हैं कि अगर फॉरेनर्स इंडिया को रेप कंट्री कहते हैं तो सही कहते हैं, इंडिया में गर्ल्स सेफ नहीं है। इस आलम अंसारी नाम के लड़के और उसके दोस्तों की वजह से न सिर्फ इंडिया का नाम खराब हुआ बल्कि ये भी साबित हो गया कि इंडिया में आज भी गर्ल्स सेफ नहीं है। लेकिन हमेशा की ही तरह मैं यही कहूँगी कि किसी भी कंट्री में अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के लोग होते हैं, तो हमें कुछ लोगों के बेस पर यह नहीं सोचना चाहिए कि वो कंट्री खराब है। लेकिन ये भी सच है कि आलम अंसारी जैसे लोग बस इंडिया का नाम खराब ही कर सकते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सारंगेओ।